बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ एंड मैं आज जा रही हूँ देहरादून, तो मैं कर रही हूँ उसके लिए पैकिंग। और हाँ गाइस, आज मैं करने वाली हूँ हेयर केयर एंड स्किन केयर, जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। कर रही हूँ पैकिंग, ऑलमोस्ट हो गई है मेरी पैकिंग। मेरा बैग तो हो गया है पैक, तो मैं बना रही हूँ बालों में लगाने के लिए रोजमेरी वाटर। उसके लिए सबसे पहले लेंगे पैन में पानी, फेस को बॉईल करने के लिए गैस ऑन करती हूँ मैं। अब इसमें डालूंगी मैं ये रोजमेरी लीव्स, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। एक चम्मच रोजमेरी लीव्स मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल होने के लिए। अब इसे अच्छे से बॉईल होने दूंगी। सो ये हो गया है बॉईल, इसमें कलर भी आने लगा है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ फेस पैक। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले डालूंगी मैं इसमें एक चम्मच बेसन, थोड़ी सी हल्दी और इसमें ऐड करूंगी मैं शहद। और ऐड करूंगी मैं इसमें गुलाब जल। आप इसमें कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं गुलाब जल कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और फिर इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे 15 से 20 मिनट, जब तक ये सूख ना जाए। मैं कर लेती हूँ इसे अपने फेस पे अप्लाई। सो फेस पैक कर लिया मैंने अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई। 15 से 20 मिनट इसके सूखने का वेट करूंगी, फिर इसको अच्छे से स्क्रब करके वॉश कर लूंगी। ये फेस पैक आप हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं अपने फेस में, इससे काफ़ी अच्छी इवन टोन स्किन हो जाती है हमारी और टैनिंग भी काफ़ी हद तक निकल जाती है। जब तक फेस पैक सूख रहा है तब तक मैं देख लेती हूँ इसको। तो ये हो गया है ठंडा, तो मैं इसको एक ग्लास में छान लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। हो गया है ये रोजमेरी वाटर रेडी। अब ये हो गया है हल्का हल्का ड्राई, तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। सो फेस वॉश मैंने कर लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं रोजमेरी वाटर कैसे अप्लाई करती हूँ अपने हेयर में। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ रोजमेरी वाटर, तो इसको मैं बस अपने रूट्स में अप्लाई करूँगी। हमें बालों कैसे सेक्शन करना है, इसको रूट्स में अप्लाई करते जाना है। ऐसे ही हमें पूरे बालों में से अप्लाई करना है। और इसको हम 1-2 दिन तक आराम से रख सकते हैं, वॉश करने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन बाद भी शैम्पू कर सकते हैं। और इसको हम वीक में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पे ये हाइड्रेटिंग शीट मास्क। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। सो शीट मास्क कर लिया है मैंने अपने फेस पे अप्लाई। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट रखूँगी, फिर जो एक्सेस सीरम है उसको अपने फेस में अच्छे से मसाज कर लूँगी। सो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी अब रेलवे स्टेशन निकलने के लिए। 6 बजे की है मेरी ट्रेन, मैं जा रही हूँ आनंद विहार से देहरादून वंदे भारत में। चलिए मैं निकलती हूँ रेलवे स्टेशन के लिए।
बनाएंगे, दूसरी का पोस्ट।